हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24/7। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उनका आंसर की जारी कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, ऐसा नोटिस में दिया गया है। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या PR नंबर 98/2020। इसमें क्या क्या दिया गया है नोटिस में, हम पहले पढ़ के सुना देते हैं। दोस्तों, इसमें दिया गया है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की समिति के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। तो आंसर की जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का है उसको अपलोड कर किए जाने के संबंध में यह सूचना है। तो दोस्तों, देख सकते किस किस विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पे दिया गया है आर्ट यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य के सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, जिसमें ओएमआर आधारित उत्तर पत्रकों का प्रयोग सभी विषयों के परीक्षा द्वारा किया गया। परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन जांच के समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम से सभी विषयों के प्रश्नों का आंसर की तैयार कराया गया है। वह समिति की वेबसाइट समिति की वेबसाइट ये दिया गया है बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, वेबसाइट पर उपलब्ध है ऐसा बताया जा रहा है नोटिस में कि आप वहां से जाकर अपना आंसर की देख सकते हैं। दूसरा नंबर में है दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज करने का। ऑब्जेक्शन आप कब तक कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 की कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के पूछे गए 50% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की जो विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए हैं उनके संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वो दिनांक आप जो भी आपत्ति आपको जो भी ऑब्जेक्शन है आपको आंसर की लग रहा है गलत है दिया हुआ है तो आप 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि आंसर गलत है, इसके आंसर कुछ और होगा, जो आपको लग रहा है वो आप अपना ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आपको फिर वही उसी साइट पर जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया गया होगा रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की इंटर एग्जाम 2020, लिंक वहाँ पे दिया गया होगा, आप वहाँ से जाके अपना ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों 11 के बाद आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा, लास्ट में लिखा गया है निर्धारित तिथि के बाद किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दर्ज आपत्ति या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको 11 तारीख के बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये लास्ट डेट है 11 तारीख तक, आप 11 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं बिहार बोर्ड का। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको हो सकता है कि आपको हेडिंग जो पर जो हेडिंग रहता है जहाँ पहुँच पाता है यहाँ पे हेडिंग में आपको वाला लिंक दिख जाए इधर, बट अभी तक दिख नहीं रहा है, नहीं तो आप नीचे जाइएगा यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया गया जैसे देख सकते हैं दोस्तों ये पहले दूसरे सब्जेक्ट का है, इसी टाइप का यहाँ पे आएगा आपका, ये दूसरे का है, इसको मत देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट जो भी है उसका यहाँ पे लिंक जारी हो जाए, अभी तक जारी नहीं, और सुबह वीडियो बना रहे हैं
हो सकता है दिन में जारी, जैसे जारी होगा हम आपको दोस्तों एक और सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है इस विषय का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।